हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं ना सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। वो इसलिए क्योंकि ये ना थोड़ा ड्यूटी वगैरह में थोड़ा इतना बिजी हो गए थे कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि वीडियो मैं बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, प्री एडिटिंग करना, ये करना, काफ़ी टाइम लगता है उसमें भी। क्योंकि अभी जो चुनाव के टाइम चल रहे हैं तो मंत्री वगैरह ये कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं, उस टाइम में ना तो ड्यूटी जाती रहती है हम लोगों की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ना बस एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने आपको अपने शायद पहली वीडियो में बता दिया होगा कि मेरी अभी ट्रेनिंग हुई नहीं है। तो हम लोगों का जो ट्रेनिंग का नंबर है वो आ चुका है, वो है जबलपुर। हम लोग को जाना है ट्रेनिंग के लिए। तो बस फ्रेंड्स, यही सब है कि मैं इतना खुश हूँ, इतना हद से ज़्यादा खुश हूँ कि 2 साल लंबी ड्यूटी काटने के बाद ना अब फाइनली हम लोग का ट्रेनिंग का नंबर आ चुका है। तो ट्रेनिंग में बस यही रहेगा कि 1 साल की हमारी ट्रेनिंग है, जैसे 9 महीने की ट्रेनिंग रहती है, उसमें लिखा है। मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा आप। अपन वीडियो में उसमें है ना 9 महीने ट्रेनिंग लिखी हुई है, बट वो 9 महीने की ना होकर पूरी 1 साल की हो जाती है। क्योंकि बीच बीच में जैसे ड्यूटी वहाँ से मांग आती है तो ड्यूटी जाना पड़ता है, तो वो ड्यूटी का जो टाइम पीरियड होता है ना उसको गिना नहीं जाता है ट्रेनिंग के थ्रू। तो इस चक्कर में वो 9 महीने की ट्रेनिंग पूरी 1 साल की हो जाएगी। तो फ्रेंड, मैं इतना खुश हो रहा हूँ उससे ज़्यादा कि 2 साल रंग ड्यूटी बहुत होती है। रंग ड्यूटी मतलब कि फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए कॉन्स्टेबल जो होते हैं ना उससे एक कदम नीचे रहता है रंग ड्यूटी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। मैं काफ़ी बहुत खुश हो रहा हूँ उससे ज़्यादा कि ना मेरी ट्रेनिंग का नंबर आ चुका है। मैं आपको बता नहीं सकता कि 2 साल रंग ड्यूटी ना कितनी डिफ़िकल्ट होती है, कैसे काटना होता है 2 साल वो, फिर 1 साल ट्रेनिंग, 3 साल फ्रेंड बहुत हो जाते हैं रंग ड्यूटी में। तो बस फ्रेंड्स, यही सब था। बस मैं आपसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहूँगा कि मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, बट हाँ अब कंटिन्यू ना मेरी शायद वीडियो, हाँ बीच में जरूर ड्रॉप हो सकती है। जैसे ट्रेनिंग पे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा, तो 1-2 दिन या 3-4 दिन जैसा भी हुआ तो वो उस टाइम वीडियो नहीं आएंगी। और हम लोग ट्रेनिंग के लिए ना हमारी जो रवानगी यहाँ से बनेगी वो 12-13 को बनेगी, और हमको 14 तारीख को होना जबलपुर में 6th बटालियन है जो जबलपुर में, वहाँ पे हमको आमा देनी है 14 तारीख को, और 15 तारीख से हमारी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से 12 को निकलते हैं या 13 को निकलते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और जैसे हम लोग यहाँ से जाएंगे तो उस चीज़ की भी मैं आपको वीडियो दूंगा, वीडियो बता के दिखाऊंगा कि जहाँ से हम लोग मतलब क्या क्या लेके जा रहे हैं, क्या क्या लेके नहीं जा रहे हैं, वो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, बस यही है, माफ़ी मांगना चाहूँगा मैं आपसे कि मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए आप मुझे तहे दिल से माफ़ कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो बस यही है, खुशी इतनी ज़्यादा हो रही है कि ट्रेन का नंबर आ चुका है मेरा। तो मिलते हैं अपने 12 या 13 को, जैसे ही मैं निकलूंगा ना मैं आपको बताता रहूँगा, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप देता रहूँगा मैं। हाँ बस यही है, थोड़ा बीच में थोड़ा ड्रॉप हो सकता है वीडियो का, वहाँ सेटलमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन 3-4 दिन जैसा भी होगा मैं आपको वैसा ही बताता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम फ्रेंड्स।